दिल्ली के शराब घोटाले की आंच अब तेलंगाना तक पहुंच चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से 30 नवंबर को दिल्ली शराब नीति घोटाले में टीआरएस एमएलसी के कविता के नाम का खुलासा किया गया है, जिसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर के कविता ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। आज देश की जनता से मैं एक विनती करना चाहती हूँ। इस देश में मोदी जी का सरकार 8 साल पहले आया है और इन 8 सालों में तकरीबन 9 प्रदेशों में जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स है उनको गिरा के एक असहज तरीके से वहां उन्होंने भाजपा का सरकार बनाया है। ये हम देख रहे हैं इस देश में क्या हो रहा है और ये आज देश में बच्चा बच्चा जानता है कि किसी भी प्रदेश में इलेक्शन होने वाला होता है वहां मोदी से पहले ईडी पहुंच जाता है। तो आज तेलंगाना में भी यही हुआ है, कुछ नया नहीं है। अगले साल हमारे यहाँ हमारे प्रदेश में इलेक्शन है तो मोदी जी के आने से पहले ईडी वाले आ गए। हमने उनका स्वागत किया, हमने कहा हर तरीके से आपको कोऑपरेट करेंगे। फिर भी ये जो चीप ट्रिक्स भारतीय जनता पार्टी प्ले करती है, मीडिया में लीक दे दो, नेता के रेपुटेशन खराब कर दो, मैं बोलना चाहती हूँ मोदी जी से विनम्रता से, मोदी जी अगर आपको जेल में डालना है तो डालो, कोई टेंशन नहीं है, चले जाएंगे, लेकिन लोगों के लिए काम करना नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी के जो फेल्यूर्स है उसको एक्सपोज करना भी नहीं छोड़ेंगे। और आज 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 तेलंगाना प्रदेश में केसीआर साहब के सदारत में बहुत अच्छे तरीके से सरकार चल रही है। आप इस सरकार को गिराने के जितने साजिश आपने किया है वो लोगों ने देखा है, क्योंकि हमने वो षड्यंत्र को लोगों के सामने रखा है। तो आप रिएक्शन में ये सारे चीजें कर रहे हो, सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, हमारे मंत्रियों के ऊपर, हमारे एमएलए के ऊपर, एमएलसी के ऊपर, ईडी सीबीआईटी सब कुछ चला रहे हो। हम आपका स्वागत करते हैं, आपसे कोऑपरेट करेंगे, लेकिन आप ये बताइए कि आपने तेलंगाना के लिए क्या किया, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं पूछती हूँ। वी वेलकम द एजेंसीज, वी विल एब्सोल्युटली कोऑपरेट विद देम एंड वी आर नॉट स्केर्ड ऑफ एनीथिंग। थैंक यू।